हेलो फ्रेंड्स, हाँ मैं मनजीत। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जर्नी पेपर शो, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग तो कुछ इस तरह का शो को कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बड़ा होता है तो लोग भी देखते ही रह जाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना, और आपको बाहर जाके पेपर शो भी खरीदना पड़ता है, जो लोग आते हैं पेपर शो बेचने के लिए उनसे, हमने सोचा क्यों ना घर ही में बनाया जाए पेपर शो। हमने ट्राई किया, वो सक्सेसफुल भी हुआ था, तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। और हम लोग बनाएंगे सिंपल, इस पेपर से सोप लगेगा, और आपको सामान दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा वह सामान, एक बर्तन ले लेना होगा, सीजर, स्पून, एक हैंड वॉश, थोड़ा सा वाटर, बैटर मिक्सर, थोड़ा सा ये ग्रेटर और एक बाथिंग सोप। तो चलिए, ये चीज तो भूल ही गए, थोड़ा सा वाटर भी चाहिए होगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आज का जो लाइक्स का टारगेट है 42 लाइक्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सुपलेक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए पोटैटो, फिर एक मिक्सर ग्राइंडर जो कि है यहाँ पर, यहाँ, और एक पॉट। तो इसको पहले स्विच ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल काम करता है। अब क्या करना है, ये जो जितने पोटैटोज हैं इनको इसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है सीधे इसके अंदर गया है। अब क्या करना, अब इस पॉट को आराम से इसके ऊपर लगा देना है, कुछ इस तरह से, अब आपको दिख रहा होगा। और इसके ऊपर का कैप को लगा के इसको ऑन करते हैं और इसके ग्राइंड होने का वेट करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है ग्राइंड हुआ है कि नहीं। अभी ये अच्छी तरह से नहीं हुआ तो इसको कुछ देर और चलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो चुका है ग्राइंड। पहले इस मिक्सर को यहाँ से ऑफ करके इसको नीचे उतारते हैं कि पूरा टेबल का स्पेस मिल सके, तो निकालते हैं पहले। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है ग्राइंडेड पोटैटो, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। सही बात बताए तो इसका जो स्मेल है ना, बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो पोटैटो का पीसा हुआ पार्ट है, ये जो पोटैटो का पीसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा वाटर, ये है वाटर स्प्रे, थोड़ा सा हैंड साफ कर ही देते। अब क्या करना है, इस वाटर में सीधे जो हमारा ये पीसा हुआ पोटैटो है इसको डाल लेना है, कुछ इस तरह से पूरे अच्छी तरह से डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारा का सारा जो हमारा पोटैटो इसको कलेक्ट कर लिया कंटेनर में। अब जो है इसको यहाँ पर रखते हैं कि बाहर ना गिरे, और अब इसमें बिल्कुल अच्छे तरह से पोटैटो को जो है वॉश कर लेंगे। अरे पोटैटो पकड़ा ही नहीं रहा। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, ये जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब इसको स्ट्रेन करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ले लिया एक नॉर्मल सा स्ट्रेनर जो कि टी या फिर मिल्क को स्ट्रेन करने काम आता है। तो चलिए अब इस बढ़ते टेबल की तरफ, इसको करते हैं स्ट्रेन। यहाँ आ रहा होगा मेरा टेबल, अभी इसको रखते हैं साइड में और इसको अभी इसमें से निकाल लेते हैं। अभी इसको रखते हैं साइड में, और अरे इसका स्क्रू लूज हो गया। हाँ, अब ठीक है। और अब क्या करना, इसको आराम से हम ऐसे रख देते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे, और इसको उठाकर इसमें का सारा वाटर इसमें
डाल देते हैं। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि इसमें पोटैटो का भी पल्प है, आपको स्ट्रेन करके दिखाते हैं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमने इसे एक बार स्ट्रेन कर लिया, एक और बार कर लेते हैं ताकि इसमें एक भी पल्प ना बचे। अब देख सकते हैं इस बार जो है थोड़ा सा ज्यादा स्मूथली जा रहा है और ये गया। अब देख सकते हैं कि इस तरह से स्ट्रेंथ करना पड़ा, फिर से स्ट्रेंथ करके आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने पूरा का पूरा 2-3 बार जितना बार बोलिए स्ट्रेंथ कर लिया। करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है, ये देखिए, ये है रेड रेड वाटर जो कि निकला है सिर्फ पोटैटो से, और ये है वो पोटैटो का पल, बस इतना ही नहीं है, इस पॉट में भरा हुआ है, ये देखिए, ऐसे इसमें से जो वाटर एक्सक्यूज हो गया कम दिख रहा है, ये देखिए ये है वाटर। अभी क्या होगा, इसको हम लोग रात भर सेटल होने के छोड़ देंगे और सीधे कल सुबह इसको देखेंगे। कल सुबह हमें जो ऑब्जर्वेशन होगा वही चीज, मतलब कि हम लोग जो इतनी देर से जो मेहनत कर रहे थे वो बस इसी वाटर के लिए कर रहे थे, और ये वाटर कोई भी कमाल नहीं करने वाला। कल सुबह जो चीज यहाँ से निकलने वाला जो कि हम अभी आपको नहीं बताएंगे नहीं तो सारा मजा फिनिश हो जाएगा, वो चीज का बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है, तो बने रही वीडियो में, जाइएगा नहीं, क्योंकि कोई भी ना खाने की चीज है ना कोई भी बोरिंग चीज है, सही बोलते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक चीज है। तो ठीक है, तो कल सुबह का वेट करते हैं जब तक कि इसका जो स्टार्च है नीचे में सेटल हो जाता है, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए गुड नाइट, और कल सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग भी हो जाएगा, तो गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अब हो चुका है सुबह, तो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर जो हमारा उबलेक है वो भी नीचे में सेटल हो चुका है, दिखा। तो फ्रेंड्स ये वही वाटर है पोटैटो का जो जिसमें कि स्टार्च रहता है, वो जो है अब सेटल डाउन हो चुका है, इसको पोर करेंगे इसमें और स्टार्च जो है इसी में रह जाएगा, तो पोर करना शुरू करते हैं। इसको पोर आराम आराम से करना है, एकदम धीरे धीरे इसको उठाएंगे, इसमें लाएंगे और सब डाल देंगे। फ्रेंड्स इसको अच्छा से पोर करके फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर हो गया पोर, ये हमारा उबलेक, लेकिन इसका जो स्मेल है बहुत ही गंदा आ रहा है, पता नहीं क्यों, साइड साइड में पोटैटोज भी ब्लैक कलर ले लिया। पहले इसको रखते हैं साइड में, उसके बाद ये जो है इसको हम टच नहीं करना चाह रहे, बहुत गंदा लग रहा है, इसको यहाँ पर पोर कर लेंगे। फ्रेंड्स ये रहा उबलेक, पता नहीं इस तरह से क्यों कर रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं इसको थोड़ी देर और सेटल होने देते हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी ट्राई किए थे, बहुत कोई वो दिखाई भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया था, पर पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है। और ये जो इतना गंदा स्मेल कर रहा है कि क्या बताए, ऐसा लग रहा है कि पोटैटो सड़ रहा है। और फ्रेंड्स हमको तो लगता है कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहा है, तो उसका रीजन ये है कि आपको याद है जब शुरुआत में जब पोटैटो को पॉट में हम लोग डाल रहे थे उस समय हमने उसे वॉश नहीं किया था, याद तो होगा ये आपको, क्योंकि हमने आपको सीधे पॉट दिखाया। एक बार आप वो क्लिप पे दोबारा से देख लीजिए प्रीवियस करके देखिए, अब उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, पॉट था, पॉट में सीधे हमने पोटैटो डाल दिया और फिर उसे चला दिया बिना वॉश किए। हमको लगता है उसी कारण जो है यहाँ पर हमारा उबलेक जो है वो ये एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया, ये वाटर में ही पूरा का पूरा पोटैटो वॉश हो गया। और एक और बात हो सकता है कि उसको इतना अच्छा से पीस दिए थे कि वो एकदम एकदम माइनर माइनर पल बन गया था, जिस कारण भी हो सकता है उसमें से स्टार्च जो है वो उड़ गया हो, इस कारण जो है ये काम नहीं किया, तो हम तो फिर से नहीं दिखा सकते, पोटैटो का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है।
ऐसा करते हैं, इसको छूने का भी आप देख सकते इतना गंदा लग रहा है। असल में जो हम पहली बार जो ये स्टार्च को जो एक्सट्रैक्ट किए थे बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिख रहा था, वो बहुत अच्छा भी था, लेकिन इसका तो बात ही मत करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हैं कि आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं पसंद आया क्योंकि इसमें कुछ हुआ कि नहीं तो लाइक करना तो करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, हमको क्या, क्योंकि वीडियो में जो एक्सपेरिमेंट किया वो तो काम ही नहीं किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।